आज मेरी किचन में कुछ अलग सा बनने जा रहा है जो अक्सर दुकानों से हम बहुत पैसे से खरीद कर खाते हैं। तो क्या है आज मेरी किचन में स्पेशल खाना? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल पर और देखते रहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप देखना, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जरूर देखिएगा, और अगर वेजिटेरियन हैं तो चिकन के बदले आप पनीर, टोफू, पोटैटो किसी के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपकी पसंद अनुसार। तो चलिए चलते हैं अपनी चैनल में। आज शाम बहुत ही खूबसूरत है, बाहर बादल छाए हुए हैं और मेरे किचन से खूब सुंदर, मतलब भीनी भीनी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने आज डिसाइड कर लिया कि कुछ अच्छा सा क्यों ना बनाई जाए। क्या अच्छा सा बनाने जा रही हूँ मैं, देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहे। पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था फूड चैनल के जैसा, धीरे 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 मैंने एक्सप्लोर करना सीख गई और बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। तो आज कुछ नहीं है बाहर जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना यही किचन के अंदर ही कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए बने रहे चैनल पर, देखते रहिए मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर पैटी, चिकन पैटी ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको पता है जो मेरे चैनल में पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं मुझे, उन सबको पता है कि मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसको आलू या सोयाबीन्स और किसी और जैसे पनीर के साथ भी पैटीज बना सकते हैं। मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है, इनको मैं बस पेस्ट नहीं बनाऊंगी, कूट लूंगी मिक्सर में ही, एक या दो बार मैं बस चलाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। चलिए मिलते हैं। ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, दरदरा आपको पीस लेना है, ये देखिए बस ऐसे ही। फिर मैं बनाऊंगी कीमा, चिकन कीमा मैंने खरीदा तो नहीं है, मैंने साबुत चिकन लिया हुआ था, मैं इसी को कीमा बना लेती हूँ चॉपर के साथ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा बुचेस नाइफ है। तो मैं आपको अगर वो नाइफ दिखाऊंगी तो आप डर मत जाना, ये है वो बुचेस नाइफ, तो मैं इसी से चॉप करती हूँ मेरे जितने भी मैं कीमा बनाना चाहती हूँ, तो मैं सब इसी से चॉप करती हूँ। ये मैंने थाई का पीस लिया हुआ है, चिकन का लेग पीसेस से मैंने बोनलेस बनाया हुआ है। मैंने दुकान में जाके उनको कहा था कि मुझे चिकन का थाई से बोनलेस पीस चाहिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट ये सॉफ्ट एंड जूसी होता है। तो मैंने बर्गर के लिए ब्रेस्ट पीस नहीं, थाई की पीस यूज़ कर रही हूँ। दुकान से अच्छा है कि आप घर में ही कीमा चॉप कर लगे, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको क्या कहता है कि आपने क्या पीस लिया है, दुकान वाले देते हैं ना वो सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चर्बी या अनवांटेड पार्टिकल्स होता है, बस ऐसे ही चॉप लेना। तो मेरा काम है जरूर एंड कटिंग भी है, बट ये आपको मैं समझ लेगा, ठीक है? फिर ऐसे ऐसे बस चॉप करना है, देते हैं चॉपिंग के कुछ देर बाद, क्योंकि टाइम नहीं। अच्छा खाने के लिए आपको मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, क्यों है ना, क्या बोल रहे हो? अच्छा खाने के लिए मेहनत खूब करनी पड़ती है कि नहीं, तभी बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए ये कीमा मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के चॉप कर लिया है। आपके पास अगर ऐसा नाइफ नहीं है, आप शार्प नाइफ से भी कर सकते हैं, या तो आप जो मिक्सर ग्राइंडर है ना उसमें भी आप चॉप कर सकते हैं, बट उसमें ना एक प्रॉब्लम आती है, बाद में ये पार्टिकल्स उसमें रह जाता है, उससे बदबू आ जाती है, वो सड़ जाता है कहीं, मतलब उसकी जो पेच होती है ना उसमें लगा रहता है। तो मैंने एक दो बार किया था तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं वो अब नहीं करती हूँ मिक्सी में, मैं हाथ से ही ऐसी ही प्रोसेस से थोड़ा टाइम लगा के कर लेती हूँ। आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपके लिए सही है। अब देखिए ये मैंने मिंस कर लिया है चिकन को अच्छी तरीके से, अब मैं इसमें वो जो बनाया था ना अदरक लहसुन इसका जो ग्राइंड किया था, ये मैं 500 ग्राम चिकन के लिए मेजरमेंट ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने टेस्ट के अनुसार दे दीजिएगा। मैं ये सारा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें बचा भी रही हूँ, पूरा नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा हो जाएगा। एक अंडा,
इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा टोमेटो सॉस। अगर आपके पास हॉट एंड स्वीट मैगी का सॉस है तो आप उसको यूज कर सकते हो, या तो नॉर्मल टोमेटो सॉस। फिर मैं इसमें थोड़ा सा सिसमी ऑयल यूज करूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं ये सिसमी ऑयल थोड़ी सी यूज कर रही हूँ। ओ, जो सबसे बड़ी चीज है वो है नमक। मैं इतना नमक यूज करने जा रही हूँ, वो भी स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम बस। थोड़ी चीनी भी मैं इसमें मिलाऊंगी, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, एक चुटकी भर, 1 pinch सॉल्ट होता है, मैंने 1 pinch ऑफ शुगर यूज किया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब भी यूज कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है, तो अगर आपके पास धनिया पत्ता होगा तो आप इसको यूज करना। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा मिक्स करने का एक अलग तरीका है, इसको आप ऐसे घुमा के करिएगा, जैसे आटा गूंथते हैं वैसा नहीं, नरम हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। अब 10-15 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ के रखना है और एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाइएगा, ऐसे, इन वन डायरेक्शन ओनली। अब मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ रेड एलपिनोस थे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और विनीगर में डिप होता, मतलब सोक किया हुआ है, तो ये तीखा भी होता है, थोड़ा खट्टा होता है, अच्छा लगता है, जैसे आप पिज्जा वगैरह में इसको देते हो, तो मैंने इसी में डाल दिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक अलग सा एक खट्टापन देगा, और इसमें कोई भी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको फ्राई करोगे, जैसे मैं अभी करने जा रही हूँ। कोई भी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स मीन्स कोई ब्रेड क्रम्स या कोई भी ब्रेड पोटैटो या कोई भी स्टार्च, जैसे कॉर्न स्टार्च वगैरह, इसको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको फ्राई करोगे। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट चलती हूँ फ्राई की तरफ। अच्छा, एक सॉस मैं आप बनाऊंगी, वो सॉस डिपिंग सॉस है और आप बर्गर में भी उसको यूज कर सकते हो, तो वो टेस्ट बहुत ही इंक्रीज करेगा आपका बर्गर का। ये है एक्चुअली ये लेटूस, आइसबर्ग लेटूस का यूज होता है, तो मैंने नॉर्मल जो सैंडविच में यूज होता है वो मैंने ले लिया। अब इसको मैं चॉप करके मेयोनीज एंड टोमेटो सॉस के साथ मिलाऊंगी, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये मैंने सुपर स्टोर से लिया था तो इसलिए ये इतना फ्रेश दिखाई दे रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, ये लेटूस दोबारा आपके अगर किचन में कोई भी गमला रखा होगा ना, तो आप इसको रिप्लांट कर सकते हो और यहाँ से दोबारा स्टेम निकलता है, लीव्स में निकलता है, ये मैंने करके देखा हुआ है। और ऊपर मैं थोड़ा सा मिट्टी या तो हनी लगा दूंगी तो ये खराब नहीं होगा। देखते हैं इस बार इसका अच्छा सा रिजल्ट आता है या नहीं। अगर मेरे ब्लॉग चैनल में आप लोग रहोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा। ये मैं थोड़े छोटे छोटे करके इसको पीसेस कर रही हूँ, जैसे साग होता है ना, बिल्कुल वैसा। और मैं इनका अब इस्तेमाल करने जाऊंगी, मिक्स करूंगी। आप बोल सकते हो आई विल मिक्स इट विथ मेयोनीज एंड टोमेटो सॉस। वहां बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, आज 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज किचन में गर्मी कम है तो एक व्लॉग बनाया जाए। ठीक है, बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज। मेयोनीज थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि ये डिपिंग सॉस के जैसा काम आएगा, साथ के साथ बर्गर में मिक्स भी करना है। मैं ले रही हूँ मस्टर्ड सॉस, ये बहुत ही अच्छा एक टेस्ट देता है, कभी कभी जाम हो जाता है, मैं यूज नहीं करती हूँ ना, बहुत दिन हो जाता है तो ये लॉक हो जाता है। रुक जाइए, हो गया।
इसको मस्टर्ड सॉस में दे रही हूँ थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मस्टर्ड सॉस नहीं, ये इंग्लिश मस्टर्ड सॉस है, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है और टेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और मैं दे रही हूँ टोमेटो सॉस। बस अब अच्छे से इसको मुझे मिक्स कर लेना है, फिर मैं इसमें डालूंगी अपनी लेट्यूस। ये देखिए ऐसा एक डिपिंग सॉस तैयार हो जाएगा, डिपिंग सॉस नहीं, इट इज कॉल्ड स्प्रेड सॉस। तो ये इसका स्प्रेड सॉस है, बहुत ही टेस्टी सा। देखती हूँ मैं एक बार टेस्ट करके कि कैसा लगा। बढ़िया। अब मैं इसमें मिला देती हूँ हमारा लेट्यूस लीव्स। देखिए ये लेट्यूस लीव्स तो कम पड़ रहा है, मतलब बढ़ ज्यादा हो गया मेरे सॉस के मुकाबले में। कोई बात नहीं, ये मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ना कोट करने के बाद। ये दो या तीन बर्गर के लिए काफी है, बाकी का मैं स्टोर कर देती हूँ नेक्स्ट यूज के लिए, क्योंकि ये खराब नहीं होता है, इसको मैं बॉक्स में रख दूंगी। अब एक और ट्रिक है, ये प्याज काटने के बाद मैं अनियन रिंग्स जैसे इसमें काट कर इसको नमक के साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, नमक और लाल मिर्च के साथ। अब ये सारे अनियन रिंग्स के साथ मैं नमक और लाल मिर्च मिला दूंगी, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और लाल मिर्च पाउडर। मुझे लग रहा है कि इसमें मैं अगर चाट मसाला थोड़ा मिलाऊंगी तो वो भी बढ़िया लगेगा, क्यों, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी मिला के देखते हैं। बस इसको अब टॉस करके हम यू ही छोड़ देंगे, और नमक इसमें है तो अनियन पानी छोड़ देगा और सॉगी नहीं होगा हमारा बर्गर। ये सब साइंस है एक्चुअली, नमक मिलाने से सब्जियां अपना मॉइस्चर छोड़ देता है, तो यही प्रोसेस जो है, क्योंकि कुकिंग के पीछे साइंस है। हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं होम साइंस उनको पता है, मैंने तो इतना पढ़ा नहीं है, बट है ये केमिस्ट्री का ही एक पार्ट। तो बर्गर हमारा जो ये प्याज हम लगाएंगे उसमें, ये भी तैयार हो गया है, तो हमारा बेसिक जितना भी सामान है वो सब कुछ रेडी है। ये हमारा सॉस भी रेडी है और ये हमारा चिकन भी रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, बर्गर को रेडी करते हैं। बर्गर बिल्कुल रेडी है, तो बस और क्या, चलिए। धीमी रखनी है ताकि अंदर से भी ये अच्छे से पक जाए, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। मैं थोड़ी कंजूस हूँ तो मैं एक चीज स्लाइस का चार टुकड़ा कर लूंगी, 1 2। आप पूरा एक चीज स्लाइस भी दे सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। देखिए मैंने बस इतना ही ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि चीज जो है वो मेल्ट हो जाए, और इस समय मैंने गैस का आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर दिया है। देख लेते हैं, यस, चीज पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको उठाकर प्लेट में रख देती हूँ और बर्गर जो है वो मैं सेक भी लेती हूँ। सारे बर्गर बंस को मैंने सेक लिया है, बस ड्राई रोस्ट किया, ड्राई सेक लिया है मैंने। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा सॉस। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, मैं कंजूसी कर रही थी चीज के लिए, क्यों, मैं यहां पर भी थोड़ा सा चीज ऐड करने जा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चीजी सा हो जाए। बस अब मैंने जो टॉपिंग्स बनाया था, ये जो मैंने बनाया था ना, अब मैं इसको यूज करने जा रही हूँ यहाँ इसके ऊपर एज अ बेस। लग तो रहा है कि यामी होने वाला है। थोड़ा सा बच गया,
वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मैं रख लेती हूँ। इसमें और भी लेटूस मैं ऐड कर सकती हूँ। देखिए ये बोला था ना मैंने, ये पत्ते थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि काफी ज्यादा है। अब इसमें ये जो है ना, देखिए मेल्ट हो चुका है, ये उल्टा साइड मैं इसके ऊपर रखती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ डबल डेकर। यस, एक ही बर्गर को मैं कर देती हूँ और ज्यादा मजेदार। और ये प्याज मैं रख लेती हूँ ऊपर से। लग रहा है ना, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है। कैमरे को थोड़ा सा सामने कर देते हैं तब आएगा मजा। ये रहा इसकी टॉपिंग। और देखिए मेल्टिंग टेम्पटिंग आप जो भी कह सकते हैं, ये है वो बर्गर जो मैंने इतनी मेहनत से, बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं लगा, फटाफट आप लोगों से बातें करते करते हो गई, बन गई। बहुत बढ़िया सा एक चिकन बर्गर। इसका वाह वाह वाह, ये जो सॉस है ना, ये वाला जो सॉस है, दिस इज माउथ वाटरिंग। ओफ ओफ ओफ, ये बस मुंह में जाने के लिए तैयार है। वंडरफुल। ऐसी टेम्पटिंग बर्गर के साथ जो चीज बहुत ही जरूरी है वो क्या है पता है? क्या है क्या है क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। और सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक्स मेरा है थम्स अप। बस और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी यही है यही है यही है। तो अगर आपको चैनल की कंटेंट अच्छा लगा और रेसिपी भी अच्छी लगी, मेरा साथ भी अच्छा लगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस स्पेशल बर्गर। बना के खाइएगा जरूर।